So we will now start with next type of projectile motion, that is horizontal projection, projectile motion. So पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन विच इज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल. नाउ वी विल सी वॉट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल. और ये ज्यादा सिंपल है, इसमें इक्वेशंस भी कम इन्वॉल्व है. इट विल टेक हार्डली 15 टू 20 मिनट्स टू गो थ्रू थ्योरी ऑफ दिस. सो द आइडिया इज एक्सट्रीमली सिंपल. वी हैव अ प्रोजेक्टाइल विच वी विल प्रोजेक्ट फ्रॉम सर्टन हाइट. तो फॉर एग्जाम्पल एक टावर है, टावर के ऊपर से एक बॉल को हमने नीचे थ्रो कर दिया. सो लेट अस टेक सम ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन फ्रॉम अ सर्टन हाइट. वी आर थ्रोइंग इट फ्रॉम अ सर्टन हाइट, तो इट विल फॉलो दिस पाथ. तो हमको करना क्या है, एग्जैक्टली जो हमने लास्ट लेक्चर में इक्वेशन डिराइव किए थे वो सारे के सारे इक्वेशन हमको वापस डिराइव करने हैं. ओनली थिंग इज दिस टाइम कंडीशन हैव चेंज्ड. लास्ट केस में द प्रोजेक्टाइल वॉज मेकिंग सम एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल. यहाँ पे एंगल जीरो है, क्योंकि अगर आपको पिछला केस याद होगा, पिछले केस में ऐसा था इन विच द इनिशियल वेलोसिटी हैड टू कंपोनेंट्स, एक था यू एक्स विच इज यू कॉस थीटा, एक था यू वाई विच इज यू साइन थीटा, और ये एंगल था थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, इस केस में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको एक हाइट से धक्का दे दिया, धक्का दिया हमने हॉरिजॉन्टल, तो हमने इसको पुश क्या किया है, हॉरिजॉन्टल. तो अगर हमने इसको हॉरिजॉन्टल पुश किया है तो यू एक्स इज इक्वल टू वी एक्स इक्वल टू यू, ऑल द इनिशियल वेलोसिटी इज ओनली एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट है ही नहीं यहाँ पे. तो व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, जीरो. हमने सिर्फ इनिशियली इसको धक्का दिया है, उसके बाद कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, उसके बाद कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, तो एक्सेलरेशन इज जीरो अलोंग एक्स डायरेक्शन, ए एक्स इज जीरो. लेकिन दिस टाइम ए वाई इज नॉट माइनस जी बट ए वाई इज प्लस जी, क्योंकि द मोशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी. तो ये डिफरेंसेस है. पिछले केस में आपने लिखा था यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा एंड यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा. यहाँ पे थीटा ही जीरो है, व्हाट इज कॉस जीरो, वन. तो यू एक्स इक्वल टू यू कॉस ऑफ जीरो, दैट इज यू एक्स इक्वल टू यू, आ गया कि यू एक्स इक्वल टू यू, यस. देन यू वाई वॉज इक्वल टू यू साइन थीटा, यू साइन जीरो, व्हाट इज साइन जीरो, जीरो. तो इन दिस केस देर इज नो वाई कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी. एंड इन द लास्ट केस, इन द प्रीवियस केस, हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया था अगेंस्ट ग्रेविटी, तो ए वाई इक्वल टू माइनस जी था, यहाँ पे ए वाई इक्वल टू प्लस जी है. ए एक्स पहले भी जीरो था, ए एक्स अभी भी जीरो ही है. हमारा टास्क क्या है, एग्जैक्टली द सेम टास्क दैट यू हैव परफॉर्म्ड इन द लास्ट केस. यू आर सपोज टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, पहले भी किया था, वाई इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर एक्स टैन थीटा 1 - x/r. तो इस केस में भी वही है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फाइंड करना पड़ेगा. नंबर टू, इफ़ यू रिमेंबर यू हैव फाउंड आउट व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट इन दैट केस, यहाँ पे भी आपको टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है. नंबर थ्री, इफ़ यू रिमेंबर यू हैव फाउंड आउट व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप. अगर आपको याद होगा आपने डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड किया है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो यहाँ पे भी वो फाइंड करना है. और क्या फाइंड किया था आपने, आपने और फाइंड किया था हॉरिजॉन्टल रेंज, तो यहाँ पे भी आपको हॉरिजॉन्टल रेंज का इक्वेशन फाइंड करना है. तो दिस इज ऑल यू आर सपोज टू फाइंड आउट. सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं फाइंड करना है, तो वो है मैक्सिमम हाइट. और क्योंकि क्योंकि जहाँ से आपने इसको प्रोजेक्ट किया वही मैक्सिमम हाइट था, उसके बाद तो हाइट कम होता जा रहा है. मतलब बाय डिफॉल्ट ये हाइट एच हम लेके ही चलेंगे, तो हमको पता ही है. तो एग्जैक्टली जो सारे के सारे स्टेप्स आपने वहाँ परफॉर्म किए थे, यहाँ पर रिपीट होंगे. अगर आपको याद है, हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी डिराइव करने के लिए, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मतलब वाई और एक्स का रिलेशन, अप्रोच क्या था, अप्रोच था कि हम एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर यूज करते हैं, फिर इसके दो कंपोनेंट लिख देते हैं, एक था एक्स कंपोनेंट, एक था वाई कंपोनेंट. तो यू विल राइट डाउन टू कंपोनेंट्स हियर, यू विल राइट डाउन व्हाट इज एस एक्स, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर. एस एक्स को हमने बोल दिया था एक्स, एंड यू एक्स इज यू, टी इज टी, एंड ए एक्स इज जीरो. तो x इक्वल टू यू टी, यहां से हमको मिल जाएगा t इक्वल टू x अपॉन u. एग्जैक्टली सेम अप्रोच है.
पिछले केस में भी आपने बोला कि एक्स और वाई को डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन एक्स टाइम पर डिपेंड करता है, वाई भी टाइम पर डिपेंड करता है, तो दोनों में एक चीज कॉमन है, दैट इज टाइम। तो हमने टाइम को लिख लिया एक्स अपॉन यू, इक्वेशन नंबर वन। फिर हमने ये एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस वन हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, एस वाई इज वाई, यू वाई इज जीरो, ए वाई इज जी एंड टी स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये काम में आएगा, ये हमको बाद में काम में आएगा, और ये भी हमको काम में आएगा, तो मैं लिख के रखता हूँ। बट वॉट इज टी फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, एक्स अपॉन यू इक्वेशन नंबर टू। तो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू वॉट यू गेट इज सिंपल है ना, वाई इक्वल टू वन बाई टू जी टी स्क्वायर, टी क्या था एक्स अपॉन यू का स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू वन बाई टू जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। ये आ गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो ये ज्यादा इजी है, एज आई टोल्ड यू, इट्स टू सिंपल। वेल बाय द वे, मैं अगर चाहता तो मैं इसको स्किप कर देता, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। ऑब्लिक हॉरिजॉन्टल इज वन थिंग। कैसे, तो इफ यू रिमेम्बर पिछला केस, एक्स टैन थीटा माइनस माइनस वन बाई टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सबसे पहले तो माइनस की जगह पे लिख दोगे प्लस, क्योंकि तो पिछले केस में मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है, यहाँ पे इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी होता है। और मैंने आपको अभी भी बताया कि यहाँ पे एंगल कितना है, जीरो है। यहाँ पे एंगल कितना बनाया वेलोसिटी ने, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी का एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल के साथ, जीरो। क्योंकि आपने क्या किया, आपने सिर्फ ऑब्जेक्ट को धक्का दे दिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो इनिशियल वेलोसिटी वाज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस विद एक्स एक्सिस, जीरो। तो एंगल कितना है, जीरो। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, जीरो। व्हाट इज टेन जीरो, जीरो। वन बाई टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, व्हाट इज कॉस ऑफ जीरो, वन। तो पहला तो जीरो हो गया, क्या आ गया हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन ना, देखो वही है, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, इट्स द सेम थिंग, तो सेम ही है ये। देन ये हो गया ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन। इसके बाद हमने देखा था वेलोसिटी, इंस्टेंट सॉरी डिस्प्लेसमेंट। तो अभी डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन फटाफट से फाइंड कर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज अगेन वेरी सिंपल थिंग। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, बताओ बताओ बताओ। आर बार इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, लेकिन एक्स क्या है, यूटी है, तो यूटी आई कैप प्लस वाई क्या है, जी टी स्क्वायर बाई टू है, तो जी टी स्क्वायर बाई टू जे कैप। यहाँ क्या डिस्प्लेसमेंट, अगर आपको डिस्टेंस चाहिए या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स कितना है, यूटी, तो यूटी स्क्वायर प्लस वाई कितना है, जी टी स्क्वायर बाई टू का स्क्वायर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने पिछले केस में फाइंड किया था डिस्प्लेसमेंट के बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो वी हैव फाउंड आउट व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पे भी वही करेंगे, यहाँ पे भी यू विल फाइंड आउट व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिंपल है, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फटाफट, वी बार इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, तो वी बार इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। हाउ विल यू फाइंड आउट वी एक्स, डी एक्स बाई डी टी, व्हाट इज एक्स, यूटी। वैसे तो करने की जरूरत ही नहीं थी, क्यों नहीं करना था पता है आपको, मैंने यहां पर लिख दिया एक्स कंपोनेंट नेवर चेंजेस, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट चेंज होता है क्या, नहीं, तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स इक्वल टू यू, तो चेंज होता ही नहीं, तो उसको क्यों फाइंड करना है तुमको। वी वाई फाइंड कर लो, वी वाई फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक तो डेरिवेटिव से फाइंड करो डी वाई बाई डी टी, या फिर वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक ही आएगा। अगर आप वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी से कर रहे हो, यू वाई कितना था, जीरो था, ए वाई कितना था, जी था, तो कितना आएगा, जी टी, तो वी वाई इक्वल टू कितना आएगा, जी टी। या फिर इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट बाई डी वाई बाई डी टी, आंसर वही आएगा, डी वाई बाई डी टी, वॉट इज वाई, हाफ जी टी स्क्वेयर।
जी बाई टू क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव कितना है, टू टी है, टू और टू तो कितना आया जी टी, तो जी टी आएगा वैसा, फाइन डन। तो आपको मिल गया वी वाई, आपको पता है वी एक्स, तो सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे, तो व्हाट इज वी बार, वी बार इज वी एक्स आई कैप, व्हाट इज वी एक्स यू आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, व्हाट इज वी वाई जी टी जे कैप। अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करना है तो अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ वी एक्स यू स्क्वायर प्लस जी टी का स्क्वायर, जी टी का स्क्वायर हो गया। इसके बाद क्या फाइंड किया था हमने, पता है एंगल, इनिशियल एंगल तो जीरो है यहाँ पे, हमने दो एंगल डिफाइन किए थे, एक था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, एक था एंगल एट अ सर्टन इंस्टेंट ऑफ टाइम। इस केस में भी तुमको वो फाइंड करना है, यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एंगल, मतलब एंगल एट अ सर्टन इंस्टेंट ऑफ टाइम। एंगल फाइंड करने के लिए तुम हमेशा सेम अप्रोच यूज करते हो, टेन अल्फा इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई क्या है आपके पास जी टी, वी एक्स क्या है यू, तो अल्फा क्या आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ जी टी बाई यू, डन। इसके बाद क्या फाइंड किया था, नहीं लिंक तो होनी चाहिए ना, इसके बाद हमने टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड किया था, यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट का तो क्वेश्चन ही नहीं है, देयर इज ओनली टाइम ऑफ डिसेंट एंड दैट इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट आल्सो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिसेंट का ही पार्ट है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए क्या अप्रोच यूज किया था हमने। चलो टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट फाइंड करने के लिए क्या अप्रोच यूज किया था हमने, चलो ये बताओ कि तुम्हारे पास जो डेटा है उसमें से तुम कैसे फाइंड कर सकते हो टाइम, कुछ तो बताना पड़ेगा ना, यू टेल मी। चलो बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, कौन सा कंपोनेंट, बाय कंपोनेंट, हाउ विल यू फाइंड आउट टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ फ्लाइट। व्हाट अबाउट एस इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम ऑफ फ्लाइट हो क्या रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट में वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियली कितना था एच, हाइट कितना था एच, और ग्राउंड पे आने का हाइट कितना हो गया जीरो, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना कवर हो गया, एच डिस्टेंस कवर हो गया, मतलब तुमको एस पता चल सकता है वाई कंपोनेंट, एस वाई तुमको इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट पता ही है जीरो है, बराबर है ना, तो ए वाई भी पता ही है तुमको जी है, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टाइम ऑफ डिसेंट ही है, एसेंट का तो पार्ट है ही नहीं यहाँ पे, तो यू विल हैव टू यूज एस वाई इक्वल टू यू वाई टी, अभी क्योंकि हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं तो बाद में कैपिटल टी लिख दूंगा मैं इसको, एस इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वेयर, एस वाई कितना है एच, क्योंकि एच डिस्टेंस कवर होगा ना इन वर्टिकल डायरेक्शन, मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था जिसको मैंने रिलीज कर दिया तो जाके कहाँ गिरेगा ग्राउंड पे, तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना है एच, इसी ऑब्जेक्ट को आगे थ्रो कर दिया मैंने तो फिर भी तो वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर करेगा एच, तो एच इक्वल टू यू वाई कितना है जीरो है, ए वाई कितना है जी है, और टी को मैं बोलूंगा कैपिटल टी, तो टू को इधर शिफ्ट कर लिया, टू एच जी को शिफ्ट कर लिया, जी इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू एच बाय जी, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट या फिर टाइम ऑफ डिसेंट। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट मिलने के इमीडिएटली बाद हमने फाइंड किया था हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब तुमको आर फाइंड करना है, आर कैसे फाइंड करोगे, आर एस इक्वल टू
एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर. वेरी गुड. एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर. एस एक्स मतलब आर, आर क्यों? क्योंकि मोशन खत्म हो गया. जब तक मोशन खत्म नहीं होता तुम आर नहीं लिख सकते, तब तक तो तुम क्या लिखते हो एक्स, क्योंकि तब एक्स कंपोनेंट चेंज हो रहा है, लेकिन मोशन खत्म हुआ तो दैट्स इट, अब चेंज नहीं होगा. तो फाइनल एक्स कितना है? आर है. तो फाइनल एक्स कितना है? आर है. यू एक्स कितना था? यू था. लेकिन ये आर डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हुआ? टाइम ऑफ फ्लाइट में. तो क्या लिखोगे? यू टी. और एक्स कितना था? जीरो था. तो आर इक्वल टू यू, व्हाट इज टी? रूट ऑफ 2h बाय. हो गया खत्म, डन. दिस इज रेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन. इतना ही है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में, खत्म. दिस इज ऑल यू नीड टू नो. बाकी कुछ लगा तो देख लेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त. तो इक्वेशन डिराइव करते तो आना चाहिए आपको. सो नाउ लेट अस बिगिन विथ एग्जाम्पल नंबर 1. और रिमेम्बर, थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्वेश्चन कम सॉल्व करता हूँ, ट्रिक ज्यादा बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन में कैलकुलेशंस की जरूरत ही नहीं है. एट हाइट 80 मीटर, मतलब एच क्यू दे दिया आपको 80 मीटर, एंड एरोप्लेन इज मूविंग विद 150 मीटर पर सेकेंड. अ बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम इट सो एज टू हिट अ टारगेट. एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट शुड द बॉम्ब बी ड्रॉप्ड? पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना. दिस इज ग्राउंड, यहाँ पे एक एरोप्लेन है. यू हैव एरोप्लेन एंड दिस एरोप्लेन वॉन्ट्स टू हिट अ टारगेट. दिस एरोप्लेन हियर. लेट्स से यहाँ पे हमारा टारगेट है, इस टारगेट को हमको हिट करना है. यू वॉन्ट टू हिट द टारगेट ओवर हियर. ये जो एरोप्लेन है इट इज मूविंग विद 150 मीटर पर सेकेंड. कितने हाइट पे मूव हो रहा है ये? 80 मीटर पे. सो एच आपको बता दिया, एच आ गया 80. तो कैपिटल एच इज इक्वल टू 80 मीटर. यहां से एक बॉम्ब रिलीज होगा जो इस टारगेट को हिट करेगा, ये ऐसा जाएगा. तो ये कौन सा मोशन है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन. क्लियर है ना? पक्का श्योर? पूछा क्या है? पूछा ये है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द बॉम्ब बी ड्रॉप्ड. एट व्हाट डिस्टेंस शुड द बॉम्ब बी ड्रॉप्ड, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूछा है आपको. दैट इज द आइडिया, राइट? तो मैं ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि ये हमारा क्या था? टारगेट था. इसको मैं बोल देता हूँ बी पॉइंट, इसको बोल देता हूँ ए पॉइंट. लेट अस से एरोप्लेन का स्पीड कितना है? 150 मीटर पर सेकेंड. तो एरोप्लेन जिस स्पीड से आगे चल रहा है, और अगर उसने बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया, तो जितना स्पीड एरोप्लेन का होता है उतना ही स्पीड बॉम्ब का होता है. तो तुमको यहाँ पे प्रोजेक्टाइल का स्पीड नहीं बताएंगे, प्रोजेक्टाइल जिसमें से रिलीज किया उसका स्पीड बताएंगे. किसमें से रिलीज किया? एरोप्लेन. जो भी हॉरिजॉन्टल स्पीड था एरोप्लेन का वही होगा बॉम्ब का, मतलब प्रोजेक्टाइल का. तो यू एक्स की वैल्यू आपके पास है, कितनी है? 150 मीटर पर सेकेंड. और यहाँ पे यही यू होता है, क्योंकि यू आई होता है 0. यू आर सपोज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन बॉम्ब एंड टारगेट. एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट शुड द बॉम्ब बी ड्रॉप. तो एग्जैक्टली समझ लो कि क्या पूछा है. क्या पूछा है? हाइपोटेन्यूज पूछा है. क्या पूछा है? हाइपोटेन्यूज पूछा है आपको. क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, ये वो नहीं करना है आपको. आपको क्या करना है? हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज के लिए आपको ये डिस्टेंस लगने वाला है, मतलब आपको रेंज लगने वाला है. क्योंकि हाइपोटेन्यूज है तो दो साइड पता होना चाहिए, एक तो पता है, दूसरा कहाँ पता है? तो दूसरा पता होना चाहिए. मैं इस डिस्टेंस को मान लेता हूँ स्मॉल आर बोल देते हैं. व्हाट इज कैपिटल आर? अभी तुमने फाइंड किया यू इंटू अंडर रूट ऑफ 2h/g, यू इंटू अंडर रूट ऑफ 2h/g. बराबर, यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का. तो अभी स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर. तो आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. एच कितना है? 80 है. आर फाइंड कर लो. यू कितना है? 150 मीटर पर सेकेंड. हाइट कितना था? 80. जी की वैल्यू मैं 10 मान लेता हूँ. कितना? 16 का रूट 4. 115 टू 4
600 मीटर, सही है? 605.3 मीटर। कैसे? लुक, आपको स्मॉल आर फाइंड करना है। स्मॉल आर क्या है? अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस है, प्लस एच की वैल्यू 80 स्क्वायर प्लस ये कितना 600 का स्क्वायर प्लस है प्लस। अगर समझो, समझ लो कि सिर्फ 600 का स्क्वायर होता उसका रूट होता तो आंसर कितना आता? 600। लेकिन यहाँ पे 600 के स्क्वायर में तुम कुछ ऐड कर रहे हो, 600 के स्क्वायर में कुछ ऐड कर रहे हो फिर रूट ले रहे हो, तो आंसर 600 से ज्यादा होगा। एक ही ऑप्शन था, 600 से 605.3, तो करने की जरूरत नहीं थी सॉल्व। 605.3 मीटर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉम्बर प्लेन मूव हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड एंड अ बॉम्ब रिलीज फ्रॉम इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड इन 10 सेकेंड्स। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है आपको, अंडर रूट ऑफ 2h/g दिया है 10 सेकेंड्स। एंगल एट विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड विल बी, यही डायग्राम का रेफरेंस ले लो। सिर्फ जब वो आके ग्राउंड पे गिरेगा, मतलब ये ग्राउंड पे आके गिरेगा, ये जो बॉम्बर प्लेन ने बॉम्ब ड्रॉप किया था, बॉम्ब आके गिरा, तो बॉम्ब ने एक एंगल बना लिया विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, इसको बोल दो अल्फा। आपको पूछा है अल्फा, तो मैंने अभी अभी बताया था आपको टैन अल्फा। याद है टैन अल्फा? अभी जस्ट नाउ टैन अल्फा जीटी बाय यू। या तो वैसा कर लो, दैट इज वन मेथड, देयर इज ऑल्सो वन मोर मेथड। तो दूसरा मेथड कैसे फाइंड करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? कैन यू थिंक अबाउट इट समथिंग? सिंपल है ना, क्या क्या दिया है तो सोच तो लो पहले, क्या क्या दिया है। यू दिया है, कितना दिया है? 500 मीटर पर सेकेंड। और क्या दिया है? टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है, क्योंकि कितने टाइम में जाके गिरा हो? 10 सेकेंड्स, तो टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2h/g, ये दिया है। ये कितना दिया है? 10 सेकेंड्स दिया है। और अगर पूछा है एंगल एट विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड इज, तो एंगल फाइंड करना है, तो अगर आपको याद होगा टेन अल्फा इक्वल टू Vy/Vx, अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ Vy/Vx। देन वी वाई क्या होता है? जी टी होता है, जी टी होता है। और वी एक्स क्या होता है? यू एक्स होता है। यू एक्स क्या होता है? यू होता है। मतलब वही फॉर्मूला यूज किया हमने, सिर्फ सिर्फ इतना डिफरेंस है कि स्मॉल टी के जगह पे क्या लिखा? कैपिटल टी, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट लिखना पड़ेगा, क्योंकि फ्लाइट हो गया खत्म। तो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ जी की वैल्यू 10, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू 10, यू की वैल्यू, तो टेन इनवर्स ऑफ 1/, तो ठीक है यही अप्रोच यूज कर लो, ये इजी है क्योंकि फॉर्मूला याद था, तो इजी है। टेन इनवर्स ऑफ 1/5, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। देयर इज ऑल्सो अल्टरनेट मेथड, यस इट एग्जिस्ट, बट ठीक है ये ज्यादा सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल फायर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी यू एट सम एंगल थीटा। पहले तो ये बताओ, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है? प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट सम एंगल थीटा, ऑब्लिक, वेरी गुड। हैज अ रेंज आर, व्हाट इज द रेंज टू यू एक्स यू वाई बाई जी, इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखना होगा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा/g। इफ द इनिशियल वेलोसिटी बी डबल्ड, मतलब यू टू इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ यू वन, एट द सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा रिमेन्स अनचेंज्ड, हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को सेम रखा, देन द रेंज विल बी, सिंपल क्वेश्चन, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि थीटा मेंशन किया था, इसके लिए मैं रेंज का फॉर्मूला लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा/g, और थीटा कांस्टेंट भी रखा है, जी भी कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, तो R2/R1 इक्वल टू U2/U1
u1 का स्क्वायर, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी को क्या कर दिया था, डबल कर दिया था, तो r2 बाय r1 इज 2 u1 अपॉन u1 का स्क्वायर, और u1 और u1 हो गया कैंसिल, तो 2 का स्क्वायर 4, तो हो गया r2 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ r1, तो 4r, ऑप्शन नंबर डी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल इज 45 डिग्री। सॉल्व करने के दो मेथड्स मैं आपको दोनों बता देता हूँ। मेथड वन, आपको बोला है एंगल एट विच हॉरिजॉन्टल रेंज एंड हाइट आर इक्वल, बट आर इज 2 ux uy/g एंड एच इज uy²/2g। जी जी गया, एक यूवाई भी गया, तो 2 ux, यूएक्स होता है यू कॉस थीटा, uy होता है यू साइन थीटा अपॉन टू, टू टू भी गया, बराबर, टू टू नहीं सॉरी, यू यू कैंसिल हो गया। देन 4 इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब 4 इक्वल टू टैन थीटा, मतलब थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 4, थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 4, ऑप्शन नंबर सी। हाउ कम यू सेट 45 डिग्री, नहीं होता 45 डिग्री, टैन इनवर्स ऑफ 4 होता है 76 डिग्री। मेथड नंबर वन, मेथड नंबर टू भी है। मेथड नंबर टू आपको ज़्यादा इजी होगा, लेकिन उसका कंडीशन है, उसका कंडीशन ये है कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में रेंज आर और हाइट एच का फॉर्मूला 4h cot थीटा, आर इक्वल टू 4h cot थीटा, अगर आपको याद होगा तो हमने डिराइव किया था, और यहाँ पे क्या बोला है, आर इज इक्वल टू एच बोला है, आर इक्वल टू एच बोला है, देयरफॉर आर की जगह मैं क्या लिखूंगा, एच, एच इक्वल टू 4h cot थीटा, एच और एच हो गया कैंसल, बराबर, तो फिर कॉट थीटा को यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन cot थीटा इक्वल टू कितना, 4, व्हाट इज 1 अपॉन cot 10, तो टेन थीटा कितना 4, तो थीटा कितना 10 इनवर्स ऑफ 4, हो गया। बोथ ऑफ द मेथड विल गिव यू सेम आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेंज ऑफ अ पार्टिकल व्हेन लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज 1.5 किलोमीटर, व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। मतलब बेसिकली आपको दो अलग अलग एंगल्स दिए हुए हैं। इससे पहले क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें थीटा कांस्टेंट दिया था, यू को चेंज किया था, अब यू को कांस्टेंट है और थीटा को चेंज करो, हाउ डू यू नो यू इज कांस्टेंट, कहीं पे भी इनिशियल वेलोसिटी चेंज किया ऐसा मेंशन नहीं किया है, तो नहीं किया है तो इनिशियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो सेम फॉर्मूला आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, सिर्फ इस केस में यू स्क्वायर बाई जी इज कॉन्स्टेंट, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ 2 थीटा, तो r2 by r1 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा 2 अपॉन साइन ऑफ 2 थीटा 1, तो r2 by r1 इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा 2, थीटा टू कितना है 45 है, कितना है 45 है, अपॉन साइन ऑफ 2 थीटा 1, थीटा वन कितना है 15 है, तो r2 by r1 इक्वल टू sin of 90, sin of 30 1/2, तो r2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r1, r1 मेरे ख्याल से 1.5 किलोमीटर था, तो आंसर आएगा 3 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रिकेटर मतलब बैट्समैन हिट्स अ बॉल विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल,
हाउ फार अबव द ग्राउंड इट पासिस ओवर अ फील्डर 50 मीटर फ्रॉम द बैट, अज्यूम दैट द बॉल इज स्ट्रक वेरी क्लोज टू द ग्राउंड. गुड क्वेश्चन. तो पहले तो क्वेश्चन आपको इमेजिन करना पड़ेगा, इट इज एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन. सपोज दिस इज ग्राउंड, सपोज यू हैव अ बैटर हियर, यहाँ पे बैटर है. बैटर ने क्या किया, बॉल को हिट कर दिया. एट वॉट एंगल? 60 डिग्री, एट विद स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड. तो इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है. हाउ फार अबोव द ग्राउंड इट पासिस ओवर अ फील्डर 50 मीटर फ्रॉम द बैट. ओके, अज्यूम द बॉल इज स्ट्रक वेरी क्लोज टू द ग्राउंड. मतलब ओवर पिच बॉल था, ऐसा बोलने का मतलब है ना, ओवर पिच, क्योंकि ग्राउंड के बहुत पास में होना चाहिए. ज्यादा हाइट से मारोगे, सपोज सपोज चेस्ट की हाइट पे आया बॉल, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन हमने वैसा नहीं सीखा है. हमने ऐसा प्रोजेक्टाइल कभी सीखा है क्या? ऐसा हैव यू लर्न दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल? नो नो नो, यू हैव लर्न इधर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल और फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड. तो व्हेन द बॉल इज स्ट्रक वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, मतलब बॉल नीचे से स्टार्ट हुआ, ऐसा उनका बोलने का मतलब है. और बैटर से 50 मीटर के डिस्टेंस पे, एक फील्डर का बैटर से 50 मीटर के डिस्टेंस पे, मतलब 50 मीटर के डिस्टेंस पे, फील्डर तो ग्राउंड पे रहता है ना, हवा में तो उड़ेगा नहीं. एक्स कोऑर्डिनेट है कि वाई कोऑर्डिनेट है? एक्स कोऑर्डिनेट है. तो एक्स की वैल्यू दे दी आपको 50 मीटर, मतलब इस पॉइंट पे एक फील्डर है, यहाँ पे एक फील्डर है. इस फील्डर के कितने ऊपर से बॉल पास होगा, कितने ऊपर से बॉल पास होगा, मतलब पता है क्या पूछा है? हाइट, मतलब नहीं, हाइट नहीं पूछा है, वाई पूछा है. क्योंकि तुम हाइट बोलोगे तो तुम इसमें कंफ्यूज कर जाओगे. दैट इज नॉट हाइट, मतलब मैक्सिमम हाइट नहीं है. दे आर आस्किंग यू व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट. तो व्हाट विल बी योर अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज बिकॉज यू ऑलरेडी नो व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड. यू ऑलरेडी नो वॉट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. तो वट विल बी योर अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? टैन थीटा इक्वल टू यू वाई बाई यू एक्स, ऐसा कब सिखाया मैंने? ओरिजेंटल रेंज कब यूज करते हैं? जब मोशन खत्म हो जाए. इन्होंने कहाँ बोला मोशन खत्म हो गया? इन्होंने कहा फील्डर के कितने, उससे क्या मिलेगा? तो तुमको चाहिए क्या भाई, तुम वो बताओ क्या चाहिए? वाई. और मीटर 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 मतलब वाई है. तो आपको फाइंड क्या करना है, पहले उस पे ध्यान दो. क्या फाइंड करना है? वाई. तो बताओ कैसे सॉल्व करोगे? मैंने आज का लेक्चर जानबूझ के स्टार्ट किया बाय आस्किंग यू व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. ऐसा ही कहीं मैं तुक्का नहीं छोड़ने वाला हूँ, याद रखना. वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. डू यू नो वॉट इज एक्स? 50 मीटर. डू यू नो वॉट इज थीटा? 60 डिग्री. डू यू नो वॉट इज यू? 25 मीटर पर सेकेंड. हो गया तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व. जी के वैल्यू भी बोला है, नहीं बोला तो 10 ले लेंगे हम लोग, 10 ले लेंगे. वाई इक्वल टू, और एक काम करो, जस्ट अ मिनट, 10 मत लो. क्यों नहीं लेना? 8.2 और 9 आंसर आर वेरी क्लोज. तो डू नॉट टेक, अनलेस दे हैव टोल्ड यू, डू नॉट टेक इट टू बी 10. एक्स की वैल्यू कितनी है? 50. टेन ऑफ एंगल टेन ऑफ 60 माइनस 1/2, ये आ जाएगा 9.8. एक्स कितना है? 50, उसका क्या है? स्क्वायर है. यू कितना है? 25, इसका क्या है? स्क्वायर है. वेरी गुड, हमारे लिए काम आसान कर रहे हैं. कॉस स्क्वायर क्या है? 60 है. तो वाई इक्वल टू वॉट इज टेन? 60 √3, क्योंकि साइन 60 अपन कॉस 60, साइन 60 √3/2, कॉस 60 इज 1/2, तो √3. तो √3 माइनस ये 1 जा और ये 4.9 जा. इसको फिलहाल ऐसे रखता हूँ मैं, 4.9 जा. वॉट इज कॉस ऑफ 60? 1/2, उसका स्क्वायर कितना? 1/4. 50 और 25 दोनों का मुझे दिख रहा है स्क्वायर, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, मेरे लिए काम आसान हो जाएगा. 1 जा एंड 2 का स्क्वायर 4, 4 और ये नीचे का 4, 16.
तो 50√3 माइनस 4.9 × 16, 16 5 का पहले कर लो, 16 5 80 बराबर 80। तुमने 0.1 को, 0.1 को कितनी बार एक्स्ट्रा काउंट किया है? तुमको 4.9 × 16 चाहिए था, तुमने कर लिया 5 × 16। ये हाँ, ये सॉरी टू से बट ये बहुत बेसिक बेसिक कैलकुलेशंस है, दैट यू शुड बाय नाउ अंडरस्टैंड। मैंने तुमको बोला 4.9 × 16 करना है, 5 × 16 कर लो, तो तुमने 0.1 को कितनी बार एक्स्ट्रा काउंट किया तुमको ये पता होना चाहिए। कितना आया? 78.4। अगर तुम 5 से मल्टीप्लाई करते तो कितना था? 80। व्हाट इज 80 माइनस 78.4? 1.6, क्योंकि तुमने 0.1 को 16 टाइम्स एक्स्ट्रा काउंट किया था। तो अगर ऐसा कैलकुलेशन तुमको जमता होगा तो फटाफट आंसर आएंगे, क्योंकि व्हाट आई विल डू इज मैं 5 × 16 कर लूंगा 80, लेकिन 0.1 मैंने 16 बार एक्स्ट्रा काउंट किया तो मैं 1.6 माइनस कर लूंगा 78.4। 50 × √3, √3 कितना होता है? 1.732 माइनस 78.4, 5 × 17.32 माइनस 78.4। 17.32 का 2 छोड़ दो, 17.3 × 5 नहीं, 80 हो, यस 86 पॉइंट समथिंग, तो आंसर 8 पॉइंट समथिंग है। तो 17.32 मल्टीप्लाइड बाय 5, 86.6 माइनस 78.4, 8.2। तो आपका आंसर आ गया सब करके 8.2, तो आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो इज इट पॉसिबल टू हैव अल्टरनेट मेथड? ऑफ कोर्स यस, ऑब्वियसली यू कैन जस्ट फाइंड आउट दिस विथ अनदर मेथड। एक्चुअली एक्चुअली 3 से 4 मेथड है, हो सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन हाउ हाउ यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। क्योंकि तुमको अगर ये समझ में आया कि अप्रोच कैसे करना है, फिर कोई प्रॉब्लम होता नहीं है नॉर्मली। तो मैं 2 मेथड बता देता हूँ। दूसरा मेथड में y इक्वल टू एक्स टैन थीटा 1 − x/r, x पता है आपको 50 है, r फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो? u² sin 2 θ/g, यू नो थीटा, यू नो यू, यू नो जी, तो r की वैल्यू मिल जाएगी, वहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो x/r, 1 − x/r टैन थीटा की वैल्यू भी है, तो यहाँ से हो सकता है मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 3, यस यू कैन हैव, सोचने बैठोगे तो फिर तब समझ में आता है कि कितना कितना मेथड हो सकता है। ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने हमने जब इक्वेशन बनाना स्टार्ट किया था तो हमने लिखा था s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT²। फिर पहले x के लिए अप्लाई कर दिया था, तो ये आ गया था sx इक्वल टू x, u इक्वल टू यू एक्स विच इज यू कॉस थीटा इंटू टी। तो यहाँ से तुमको t मिल जाएगा। तो पहले तुम टाइम फाइंड कर सकते हो, थोड़ा लेंदी जा रहा है, लेकिन सिर्फ पता होना चाहिए, एक्स पता है, यस, यू पता है, यस, थीटा पता है, यस। तो तुमको टाइम मिल जाएगा कि कितने टाइम के बाद वो फील्डर के ऊपर से पास होगा, तो फाइंड कर लेना। एक्स की वैल्यू कितनी थी? 50। यू कितना था? 25। कॉस ऑफ कितना है? 60 है। 1 sin 2, व्हाट इज कॉस ऑफ 60? 1/2। तो 1/2 ऊपर गया तो 2 × 4। तो फील्डर के ऊपर से कब पास हुआ? 4 सेकंड के बाद पास हुआ। अब अगर 4 सेकंड के बाद पास हुआ है तो फिर वाई में ये वैल्यू काम में आ जाएगी हमको, वाई एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT²। वापस वही है, सिर्फ यहाँ पे वाई एस वाई की जगह पे वाई, यू की जगह पे यू वाई, दैट इज यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2, बताओ GT²। y इक्वल टू u की वैल्यू तो पता ही है कितनी है, 25 है। साइन ऑफ 60 कितना होता है? √3/2 होता है। टाइम कितना आया? 4 आया। −1/2, ये कितना आया? 9.8 आया। 4² 16, 1 sin 2 y इक्वल टू 50√3 और 1 sin 4.9, तो 4.9 × 16। तो एग्जैक्टली यही तुमको, यही तो हमको मिला था। मिला था क्या? देखो 50√3 माइनस 4.9 × 16। तो तीन तीन मेथड तो हो गए, तो यू हैव टू कीप थिंकिंग, सोचना पड़ेगा आपको, तो यहाँ से भी वही आंसर आएगा।
ऐसा करना है, ऐसा कर लो, ये करना है, ये करो, इसमें पहले रेंज फाइंड करना पड़ेगा आपको। डन। अगला क्वेश्चन, द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज रिप्रेजेंटेड बाय √3x − gx² / 2, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, जोक, दिस इज एब्सोल्युटली अ जोक। √3x − gx² / 2, इसमें से पहले तो तुम √3x को निकाल लो कॉमन, नहीं कॉमन निकालना, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, डायरेक्टली स्टैंडर्ड इक्वेशन कंपेयर करो। x tan θ − 1/2 gx² / u² cos² θ, तो सिर्फ कंपेयर करोगे तो व्हाट इज टैन थीटा, √3, तो व्हाट इज थीटा, 60 डिग्री, हो गया ऑप्शन नंबर सी, खत्म क्वेश्चन, डन। अगला क्वेश्चन, अ बॉडी इज थ्रोन एट एन एंगल 30 डिग्री, थीटा इज 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, यू इज 30 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड टी इक्वल टू 1 सेकेंड द वेलोसिटी विल बी, वेरी गुड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा है, आफ्टर 1 सेकेंड मतलब इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तुमको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इस देख लेंगे, वी इक्वल टू √VX² + VY² वी इक्वल टू U + AT VX इक्वल टू UX क्योंकि AX होता है 0, UX होता है U cos θ, तो ये तो VX इक्वल टू U था 30 और cos ऑफ 30, 30 30 है ना, 30 30, व्हाट इज cos ऑफ 30, √3/2, तो 30√3/2 तो कितना, 15√3, तो कितना आ गया, 15√3 आ गया, उसका स्क्वायर ही लगने वाला है अपने को, तो स्क्वायर कर ही लो, तो व्हाट इज VX का स्क्वायर, 15√3 का स्क्वायर कितना, 15 का स्क्वायर, हाँ √3, चलो ठीक है वो बाद में देखते हैं, वाई क्योंकि मे भी शायद VY में भी ऐसा कुछ हो, देख लेंगे, VY आएगा UY + AYT, ये आ जाता है U sin θ − gt, U is 30 sin of 30 − g की वैल्यू 10 बोली है क्या, यस 10 बोली है, और टाइम 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, व्हाट इज दिस, 1/2 − 10 तो कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, 30/2 15 − 10, गुड वेरी गुड, तो इंस्टेंट वेलोसिटी विल बी √VX² + VY² आई टोल्ड यू ना कहीं तो सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, तो करो नहीं तुमको 675 करना तो वैसा करो, या तो 15 को 5 × 3 लिख लो, 5 को कॉमन निकाल लो दोनों में से, कैलकुलेशन कैसे करना है वो आपके ऊपर है, तुम 15√3 का स्क्वायर करोगे विच इज 5 × 3 बराबर, प्लस 5 का स्क्वायर करोगे, मुझे 5 का स्क्वायर दोनों जगह पर दिख रहा है तो मैं तो कॉमन निकालूंगा इसको, वी वाई इक्वल टू √5² निकाल लिया कॉमन, 15 में से 5 गया तो 3 बचा, तो कितना गया, 3√3 का स्क्वायर, और वहां से तो पूरा 5 का स्क्वायर निकला है तो कितना आया 1, ये 5² का √5, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 27, 27 + 1 कितना 28, तो 5√7 4 होता है, ये 7 4 होता है ना, हाँ तो 7 4 होता है, 7 4 4 का √2 तो 5 × 2 10, तो 10√7 m/s, 10√7, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुड क्वेश्चन एंड अ सिंपल क्वेश्चन एज वेल, इफ इफ फॉर अ गिवन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, गिवन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब एंगल इज कॉन्स्टेंट, द हॉरिजॉन्टल रेंज इज डबल्ड, हॉरिजॉन्टल रेंज इज डबल्ड मतलब R2 is 2 times of R1, द टाइम ऑफ फ्लाइट बिकम्स, द टाइम ऑफ फ्लाइट बिकम्स, तो अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम ये आता है कि रेंज का टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ डायरेक्ट रिलेशन हमने डिराइव नहीं किया, हमने रेंज का एच के साथ किया था लेकिन टी के साथ नहीं किया, लेकिन दोनों में कॉमन चीज है, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, 2 u sin θ / g
जी बराबर, रेंज नहीं बराबर है, 2u sin थीटा बाय जी है रेंज, हाई अपना टाइम ऑफ फ्लाइट राइट है। व्हाट अबाउट रेंज? u² sin 2θ/g, तो दोनों में एक चीज कॉमन दिखती है u, तो रेंज इक्वल टू u² sin 2θ/g। और गिवन एंगल बोला है तो एंगल क्या है? कांस्टेंट। जी क्या है? कांस्टेंट। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू u² इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? 2u sin θ/g। थीटा कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज प्रोपोर्शनल टू यू। क्लियर यहां तक? ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, यू इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ आर, लिख सकता है क्या? यस नो यस। हाँ तो आर इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो रूट ऑफ आर इज प्रोपोर्शनल टू यू, करेक्ट है। इक्वेशन नंबर 1 बोल दूंगा इसको मैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको रिलेट करना था रेंज और टाइम को। रेंज और टाइम में कॉमन है यू, तो हम यू का हेल्प लेंगे टू कनेक्ट दीज टू। तो टी इज प्रोपोर्शनल टू यू, बट यू इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ आर, तो टी इज प्रोपोर्शनल टू यू, इट इज प्रोपोर्शनल रूट ऑफ आर, तो टी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ आर। तो क्या पूछा है? टाइम ऑफ फ्लाइट बिकम्स, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बिकम्स मतलब T2/T1 इज रूट ऑफ R2, लेकिन R2 कितना था? 2 टाइम्स ऑफ R1, R1 कैंसल, तो T2 इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ T1 हो गया था, √2 टाइम्स, ऑप्शन नंबर सी।